थर्ड ईयर के लिए क्लास ले रहे हैं, इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक ऑडिट पे। ऑडिट होती क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, आप इस बारे में अपने इंट्रोडक्शन के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो इस वर्ड को देखते हैं अपन। ऑडिट इज अ लैटिन वर्ड ड्राइव फ्रॉम ऑडायर। ऑडिट एक लैटिन शब्द है ऑडायर जिसे लिया गया है, विच मीन्स टू हियर। ऑडिट एक लैटिन शब्द से लिया गया ऑडायर से, जिसका मतलब होता है सुनना। मतलब ऑडिट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें ये सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए गए हैं और उनमें कुछ कमियां तो नहीं रह गई है, उनको अपन को चेक करना होगा। ये तो अपन ने बात करी वर्ड ऑडिट की। इसके बाद अपन देखते हैं कि ऑडिट की इंडिया में कब से शुरुआत हुई है, इंडिया में कब से ऑडिट का बारे में लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। कंपनीज एक्ट 1913 में कंपनीज एक्ट लागू किया गया इंडिया में, उसमें पहली बार कंपनीज एक्ट 1913 में पहली बार ये बताया गया कि जो एक ऑडिटर होता है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। जब ये वर्ड यूज हुआ क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर, तो फिर उसमें ये बात उठने लगी कि ऑडिटर को इन इन बातों के बारे में पता होना चाहिए और तभी वो अच्छे से ऑडिट कर सकता है या फिर वो एलिजिबल है। तो कंपनीज एक्ट 1913 जब लागू हुआ तब ये क्वालिफिकेशंस निकल के आई और 1914। इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि अप्रैल 1914 से ऑडिट एक तरह से एक उसके प्रॉपर फॉर्म में सामने निकल के आई, जब कंपनीज एक्ट ने ये बताया कि एक ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और कैसे उसको वर्किंग करनी चाहिए। फिर एक आता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे हम ICAI के नाम से भी जानते हैं। ये आया 1949। उससे ये इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसने ऑडिट की परिभाषा इंडिया के पर्सपेक्टिव में अच्छे से समझाई है और ऑडिटर की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसको कैसे वर्किंग करना चाहिए, ये अपने को बहुत अच्छे से बताया। ऑडिट की कई डेफिनेशंस अपने को बुक्स में देखने को मिलती है, जिसमें ये बताया गया है कि ऑडिट इन चीजों को सब फुलफिल करता है कोई तो एक प्रॉपर ऑडिट कहलाती है। लेकिन जो सबसे अच्छी डेफिनेशन इनमें से मानी गई है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वो मानी गई है जो डेफिनेशन दी है अपने को ICAI ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने।
रिलेशन इस प्रकार है, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डेफिनेशन को समझते हैं। ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म विद अ व्यू टू एक्सप्रेशन ओपिनियंस। तो ये डेफिनेशन एक तरह से अपने आप में पूरी मानी जाती है। इसमें बताया गया है कि ऑडिट एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, कुछ वर्ड्स में हाईलाइट कर रहा हूं, तुम्हारे ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती है, उसका सोर्स प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। एंटिटी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, उसकी फॉर्म कोई सी भी हो सकती है। फॉर्म का मतलब है कि वो प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, कोई ट्रस्ट भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है। मतलब लीगल फॉर्म उसका कोई आपके लिए मायने नहीं रख सकता, इसीलिए कहा गया है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म। मतलब उसकी फॉर्म की अपने को नहीं देखना है क्या है, उसका व्यू क्या होना चाहिए इन स्टेटमेंट को चेक करने का, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। मतलब अपन एक ओपिनियन उस पर फॉर्म कर सके। ओपिनियन फॉर्म करने का मतलब है कि अपन किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कमेंट कर सके, एक ओपिनियन अपना दे सके कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें अपन ये ओपिनियन दे सके कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो चेक करने के लिए अपन एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं ऑडिट का। ये इसकी डेफिनेशन है।